ओके सो पिछले वीडियो में एक टॉपिक को लेकर कमेंट सेक्शन भर गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि जिनके पास अभी भी उसकी डेविल्स पावर है, क्योंकि टेकनेट के एंडिंग में उसके आर्म पर उसका डेविल मार्क दिख रहा था, जो इस बात को साफ हिंट करता है कि उसके पास अभी भी डेविल्स पावर है। बट वहीं फिर काजुया का क्या, उसकी बॉडी पर तो ऐसा कोई भी डेविल मार्क नहीं है, तो उसके पास डेविल्स पावर है या नहीं। सो यही सब क्वेश्चन के आंसर जानते हुए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिन काजुया के पास डेविल पावर है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो बिना डेविल पावर के डेविल रीना का सामना कैसे करेंगे। तो हमेशा के जैसे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, इसलिए अभी से ही लाइक कर दिया करो, और नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब किया करो। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो इस डेविल मार्क के बारे में हमें बस एक छोटी सी हिस्ट्री के बारे में पता है, जहाँ जब टेकन टू के टाइम में काजुया के डेथ से उसका हाफ डेविल उसके अनबॉर्न बेटे जिन कजामे में चला गया था, और ये बात जून को पहले से पता थी, इसलिए वो अपने बेटे जिन को डेविल से 15 साल तक बचाते आ रही थी। बट जब टेकन 3 के टाइम में ओगर जून पर अटैक कर दोनों गायब हो जाते हैं, तो डेविल फिर से जिन के पास आता है, बट इस बार उसको रोकने वाली जून कजामा नहीं थी, इसलिए डेविल इस बार जिन को पोजेस कर उसके लेफ्ट आर्म पर एक डेविल मार्क बना देता है, और इसके बाद सीधे टेकन 3 की एंडिंग में जिन अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। सो यहाँ पर स्टोरी और रिसर्च में चेंज हुआ है, क्योंकि पहले ये नहीं बताया गया था कि ये डेविल कौन है या फिर ये है ही क्या जिसने ये जिन पे मार्क बनाया, बट अब स्टोरी अपडेट हुई है और लिखा हुआ है कि ये डेविल मार्क काजुया के ही डेविल ने बनाया था, जो कि जिन की ही बॉडी में था, बट जून उसे पोजेस होने नहीं दे रही थी। इसके अलावा मैंने कमेंट में ये भी बहुत बार देखा है, जहाँ पर काफी सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि ये जो डेविल है या स्प्रिट है, ये जिन पाची मिशिमा है। तो इसका कोई सेंस तो नहीं बनता कि ये जिनपाची है, क्योंकि जिनपाची के पास डेविल पावर नहीं थी, बल्कि उसको तो एक स्प्रिट या घोस्ट ने पोजेस कर रखा था। बट हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम इसे जिनपाची क्यों कह रहे हो, क्योंकि अगर तुम ठीक से देखोगे तो इसका फेस काफी हद तक जिनपाची के जैसा दिखता है, ये उसे काफी मैच करता है। बट जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये जिनपाची नहीं है, क्योंकि इसके सर पर एक रेड कलर का मार्क भी है, जो बस डेविल्स में ही होता है, जहाँ से वो लेजर बीम को अटैक करते हैं। इसलिए ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि ये पाची है। सो ये तो हो गई जिनकी डेविल मार्क की हिस्ट्री। इसके अलावा एक और करेक्टर है जिसके आर्म पर डेविल मार्क है, एंड दैट इज अनोन। अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि अनोन तो हमें बस टेकन के टैग गेम्स में ही दिखती है, जो कि टेकन सीरीज में कैनन भी नहीं है, तो मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि भले ही अनोन टेकन सीरीज में कैनन कैरेक्टर नहीं है, बट जून तो टेकन सीरीज में कैनन कैरेक्टर है ना, उसका स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि अनोन ही जून है। जैसे काजुया और जिन के सेकंड फॉर्म डेविल्स हैं, सेम वैसे ही जून का सेकंड फॉर्म अनोन है। इवन अगर तुम टेकनेट में कभी जून से प्ले करोगे, तो उसमें तुम नोटिस करना कि जून के काफी सारे मूव्स अनोन के जैसे हैं। इसलिए हमें अनोन के भी डेविल मार्क के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मे भी हमें आगे किसी गेम में अनोन दिख सकती है। बट प्रॉब्लम इज कि हमें जिन के डेविल मार्क के बारे में तो थोड़ा बहुत पता है, बट अनोन के डेविल मार्क के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसके बायो में इस मार्क से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये मार्क अनोन के पास कैसे आया, किसने दिया, या फिर क्या जून भी डेविल है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए इसके बारे में खुद से सब कुछ पता लगाना काफी मुश्किल है। बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि टेकन टैग 1 में जब हमने अनोन को देखा था, तो उसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग बताई गई थी, जहाँ पहले अनोन को जून की सिस्टर के तौर पे टेकन सीरीज में ऐड किया जा रहा था, और इसका नाम होता हिटोमी। बट फिर इसके बाद इस स्टोरी को हटा दिया गया, इसलिए टेकन टैग 1 में अनोन की कोई भी स्टोरी नहीं है, मतलब कि अनोन की स्टोरी अनोन है, क्योंकि डेवलपर्स ने इसे बनाने के बाद इसकी स्टोरी के बारे में सोचा था, एंड इसी वजह से टेकन टैग 1 में अनोन का कचरा कर दिया। बट हाँ, टेकन टैग 2 में इसे ठीक किया गया, जहाँ पर डेवलपर्स ने इस कैरेक्टर को जून का ही सेकंड फॉर्म बताया, जहाँ पर ऐसी थ्योरीज बताई जा रही थी कि जून डेविल से फाइट करते में करप्ट हो गई थी, और सेम जिन के ही जैसे जून पर भी डेविल मार्क बनता है। बट जून का ये मार्क हम तभी देखते हैं जब वो अनोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। इसके अलावा मैंने तुम्हें जून के एक डीएनए में गड़बड़ी वाली थ्योरी भी बताई थी, तो वो भी हो सकता है, बट ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बस थ्योरी सी है, इसलिए अब इसको छोड़ते हैं एंड बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि क्या टेकनेट में जिन और काजुया का डेविल खत्म हो गया है, टेकन 9 में उनके पास डेविल्स पावर नहीं होगी। तो सबसे पहले दोनों के बारे में ये बात जान लो कि दोनों का डेविल मिट कैसे गया, क्योंकि रबर थोड़ी है कि मिटा दिया। सो इस फाइट में अजाज़ल के ही रूल्स फॉलो होते हैं, जहाँ पर हमें पता था कि अजाज़ल को वही मार सकता है जिसके पास डेविल्स पावर है, तो सेम ऐसे ही जिन और काजुया भी एक दूसरे को मार सकते थे, क्योंकि दोनों के पास ही डेविल्स पावर है। अब हाँ, यहाँ पर हियाची भी आ
आ जाता है क्योंकि उसने भी दो बार डेविल्स को मारा है, एक बार काजुमी को और टेकन 2 में काजुया को। बट इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जहाँ मैं इस पैनल को एक्सप्लेन करते हुए तुम्हें बताऊंगा, बट किसी और वीडियो में। एनीवेज, और हाँ, मैं मानता हूँ कि स्पेस में काजुया और जिनका डेविल मिटने के बाद बिखर गया था, ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि तुम ही सोच के देखो वो मिट कैसे सकते हैं। डेविल तभी खत्म होता है जब उसका होस्ट मर जाता है, जबकि टेकन में तो काजुया और जिन दोनों ही जिंदा है, तो फिर डेविल पावर मिट कैसे गई? एंड इसलिए यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। सो गेम में तो अब यही दिखाया गया है तो हम कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि डेविल पावर खत्म हो गई है, बट अब मैं अपनी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूंगा, जहाँ मुझे सबसे पहले तो यही लगता है कि दोनों का डेविल सच में खत्म हो गया है और लास्ट में जो हमने जिन के लाइफ टाइम पे उसका टैटू देखा था उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इससे रिलेटेड भी मेरे पास प्रूफ है। जैसे कि सबसे पहले ये ज़ाफिना की एंडिंग देखो, जहाँ वो काजुया और जिन का डेविल निकाल रही होती है, और यहीं पर ही तुम नोटिस कर सकते हो कि डेविल निकलने के बाद भी जिन के आर्म पर उसका डेविल मार्क रहता है। सेम टेकन की एंडिंग के जैसे, वहाँ पर भी डेविल खत्म होने के बाद भी जिन के आर्म पे उसका टैटू रहता है। इसलिए इस टैटू को देखकर ये कहना कि जिनके पास डेविल पावर अभी भी है, आई थिंक सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर काजुया के पास भी उसकी बॉडी में कहीं भी डेविल मार्क नहीं था, तो क्या उसके पास डेविल पावर नहीं थी? थी ना उसके पास भी। इसलिए ये जो डेविल मार्क का चक्कर है ना, ये कुछ और ही है, क्योंकि टेकन 3 में जिस डेविल ने ये मार्क जिनको दिया था उसके बारे में आज तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड क्या पता ये भी हो सकता है कि उस टाइम टेकन सीरीज की स्टोरी को जिन से रिबूट किया जा रहा था, इसलिए इस मार्क को डाला गया। बट फिर वही रीजन आ जाता है कि वाई, जिसका आंसर हमें नहीं पता। बट फिर भी अगर काजुया की बॉडी में डेविल मार्क नहीं है, तो इससे मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आता है कि हो सकता है मे बी काजुया ब्लड में ही कुछ ऐसा है जो डेविल पावर को हिट करता है। एंड इसी वजह से जून और जिन में ये डेविल मार्क बने हैं, क्योंकि दोनों ही काजुया ब्लड कैरी करते हैं। और यहीं पर ही एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दोनों के पास डेविल पावर नहीं बची है, तो फिर दोनों डेविल रीना को कैसे डिफीट करेंगे? सो या, ये बात तो सच है कि बिना डेविल पावर के दोनों साथ मिलकर भी डेविल रीना को डिफीट नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को टेकन 9 में डेविल पावर फिर से वापस जरूर मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। बट देखना ये होगा कि कैसे मिलती है। और इसके बारे में जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ थ्योरीज हैं, बट वो मैं तुम्हें बताऊंगा टेकन 9 की स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो में। ओके, सो मैं इस वीडियो के पार्ट को काफी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी, बट मैं क्या ही करूँ भाई, सब काम होने के बाद मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड और काफी बड़ा प्रूफ मिला, जिससे कन्फर्म होता है कि टेकन 8 की एंडिंग में जिन और काजुया का डेविल खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अगर तुम टेकन 8 में जिनके डेविल मार्क को लेकर ये सोच रहे हो कि उसका डेविल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो बचा हुआ है या सप्रेस हो गया है, तो वो ठीक है, ये बात मान लेते हैं, बट काजुया का क्या? सो इसी से रिलेटेड मेरे को एक प्रूफ मिला है। सो तुम्हें याद है कि टेकन 8 की एंडिंग में जब जिन और काजुया स्पेस से गिरने के बाद एक आइलैंड पर फाइट करते हैं, तो जब जिन और काजुया इस स्टेज पर फर्स्ट फाइट करते हैं, तो काजुया एक मिनी सेकंड के लिए अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होता है, बट तुम्हें ये दिख नहीं रहा होगा। बट अब मैं इस वीडियो को एकदम अल्ट्रा स्लो कर देता हूँ। सो ये देखो, इस पॉइंट पर काजुया अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होता है। सो क्या इसका मतलब काजुया के पास अभी भी उसका डेविल बचा है? क्योंकि ये जो काजुया का डेविल में कन्वर्ट होना है, ये किसी भी तरह का सेंस नहीं बनाता, इसलिए यहाँ पर डेवलपर्स की ये मिस्टेक मानी जा रही है, क्योंकि काजुया इतने कम मिनी सेकंड के लिए ट्रांसफॉर्म होता है कि तुम देख भी नहीं पाओगे, या फिर ये किसी ग्लिच की वजह से भी हो सकता है। तुम्हारे इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, मुझे बताओ यार कमेंट्स में। एंड या, ये थी मेरी आज की वीडियो, और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय।